हरिओम, स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 12 पर हैं, जहां पर आज 15वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने जीवन को लेकर चलना है। यदि ये जो श्लोक का वर्णन भगवान अभी कर रहे हैं, इसको हमने अपने जीवन में अपना लिया तो हम शांत रह सकते हैं, हम आराम में रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, उत्साही हो सकते हैं, हम योगी हो सकते हैं, हम जीवन की यात्रा को सुखद कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं भी किसी से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से मुक्त है, वह मुझको प्रिय है। कोई भी प्राणी जिससे उद्विग्न नहीं होता, ना तो हम किसी को हिलाते हैं और ना कोई किसी के हिलाने से मैं हिल जाता हूं, मतलब मैं किसी को उद्विग्न ना करूं। हमारे कारण कोई परेशान, नाराज ना हो, हमारे कारण उसका चित्त हलचल में ना आए, हम कारण ना बने उसके दुखों का, उसकी परेशानियों का, उसकी समस्याओं का, उसके उलझन का। अक्सर हम कारण बनकर बैठ जाते, कुछ ऐसा बोल देते हैं, सामने वाले का मन हिल जाता है, कुछ ऐसा कह देते हैं उसके अहंकार, उसके स्वाभिमान या उसको नीचा दिखाने के लिए कि वो परेशान हो जाता है। हमसे कुछ ऐसे कृत्य होते रहते हैं जिससे हम सामने वाले को हिलाते रहते हैं, और हमसे ये कृत्य तब होंगे जब हमारा अहंकार हो। अहंकार के कारण से जो भी कर्म किया जाता है उसमें सामने वाला हिलेगा ही हिलेगा, या तो उसको बहुत अच्छा लगने वाला है या ना अच्छा लगने वाला है। दोनों स्थितियों में हम उसके हिलने के कारण बन सकते हैं। जिसको आज बहुत अच्छा लग रहा है, वही कल को कहेगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके उद्विग्नता, उसकी हलचल का कारण हम ना बने। जैसे एक तालाब है, शांत है, वो शांत है, हम उसमें एक पत्थर फेंकते हैं। अब जैसे हमने एक पत्थर फेंका, पत्थर तो बीच में फेंका था, लेकिन वो तरंगे उसके धीरे धीरे बनती 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 और तालाब के अंत तक चली जाती, अर्थात तालाब के ऊपर एक क्षोभ पैदा हो जाता है, एक उद्विग्नता पैदा हो जाती है, एक हलचल। अब तालाब अपनी जो पूरी तरह से शांति थी उसको भंग कर चुका होता है। हम भी कुछ ऐसे शब्द फेंकते हैं, कुछ ऐसा कर्म करते हैं, कुछ ऐसा एक्शन कर देते हैं, कुछ हाव भाव, कुछ आंख, कुछ जेस्चर, कुछ ऐसे रख कर देते हैं जिससे सामने वाले के अंदर उद्वेग पैदा होने लगते हैं, वो हिल जाता है, परेशान होने लगता है। तो हमारा भी कर्म बना और उसने भी हमारे लिए कर्म बना दिया, उसके अंदर भी बातें रजिस्टर हो गई। ऐसे हमारे कर्म हो कि आपके कर्म तो हो जाए लेकिन सामने वाला बिल्कुल नहीं हिल रहा है, वो एकदम आराम में है, रिलैक्स है। ऐसे आप बोले कि उसकी ऊर्जा ऊर्ध गति की ओर जाए, अधो के गति की तरफ ना जाए, उसकी चेतना में क्षोभ पैदा ना हो, हलचल पैदा ना हो, उद्विग्नता पैदा ना हो, उसके मन और मस्तिष्क में हलचल ना आए। हमें तो खाना नहीं पचता जब तक हम दूसरे को हिलाना दे। घर में यदि किसी से जरा सा भी आप द्वेष कर बैठो, देखो मौका मिलते ही आप टॉन्ट कसेंगे या कुछ कहेंगे, आप उसकी प्रसन्नता को देखकर हिल जाएंगे और उसको अप्रसन्न करने के तरीके सोचेंगे। हमारे अंदर दूसरों को परेशान करके जो आराम आता है उसकी खुशी हम बहुत लेते हैं। दूसरे को हिलाकर जो मजा है वो एकांत में थोड़ी होता है, इसलिए हम उठ के कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी करते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसी हरकतें, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है जो दूसरों को हिला रहा है।
हमारे से कोई ना हिले ये पक्का हो, घर में ना हो हिले ना बाहर हिले। लेकिन हम इतने ज्यादा आदतन पक्के हो जाते हैं कि ऐसा होता ही नहीं है कि हमसे कोई ना हिले। हम जरूर हिलाते क्योंकि उससे हमारा अहंकार पुष्ट होता है, बलिष्ठ होता है, मजबूत होता है, उससे हम कुछ बड़े होने लगते हैं। हमारा केवल अहंकार हमको बड़ा किए रहता है और दूसरे को छोटा किए रहता है, और छोटा करने के लिए उसको छोटा दिखाना, दर्शाना, जताना पड़ता है। और जैसे ही हमने ऐसे किया वो हिल गया। साधक एक योगी किसी को परेशान थोड़ी करता है, भला फूल किसको क्या परेशान करेगा, वो तो अपनी मस्ती में है, वो कोई कारण नहीं बन रहा है किसी की परेशानी का। आप कारण ना बने किसी की परेशानी का। हाँ, कोई अपने कारण से ही परेशान हो तो बात अलग है। आप भले बहुत अच्छा करें लेकिन उसके अपने ही कुछ परिभाषाएं हैं, अपने ही कारण हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप कारण ना बने। अक्सर हम जो कारण बनते हैं उससे अपने आप को विड्रॉ करना है। बाकी तो सामने वाले की स्थिति है, वो तो महावीर से भी लोग बहुत परेशान थे, बुद्ध से भी थे, कृष्ण से भी थे, राम से भी उस समय थे। हर काल में लोग अपनी स्थिति के कारण से परेशान होते हैं और हम दूसरे के ऊपर कोई ना कोई आरोप डाल देते हैं। राम किसी की परेशानी के कारण नहीं थे, कृष्ण किसी की परेशानी के कारण नहीं थे, भगवान बुद्ध किसी की परेशानी के कारण नहीं थे, महावीर किसी की परेशानी के कारण नहीं थे, गुरु गोरक्षनाथ किसी की परेशानी के कारण नहीं थे, वो तो लोग कबीर किसी की परेशानी के कारण नहीं थे, ना रैदास, ना मीरा, ना दादू, कोई किसी की परेशानी के कारण नहीं होते। लोग अपने ही कारणों से, अपनी मान्यताओं से, अपनी धारणा से लोग परेशान होते रहते। वो अपने कारण से परेशान हो, लेकिन मैं आहुति डालने वाला ना हो। अपनी उन आहुतियों को जो सामने वाले को हिला दें आप निकाल लो, अपने बातचीत से, अपने टोंट से, अपने हाव भाव से निकाल लो। और ये ऐसे ही ना निकलेगा, चूंकि ये आदत हो गई है हमारी, इतनी पक्की आदत है दूसरों को हिला देने की कि जाती नहीं है। आपको बहुत ही कोशिश, प्रयास, जद्दोजहद, बहुत मेहनत, बहुत सुजाग, बहुत साक्षी दृष्टा, अपने बुद्धि को पूरी तरह से, अपने मन को और अपने शब्दों को पूरी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने शब्दों से किसी को नहीं हिलाएं। या एक ऐसा उपाय है कि आप शांत हो जाओ, गहरे स्तर पर शांत हो जाओ। शांति से भरा हुआ व्यक्ति कभी किसी को हिला नहीं सकता। अशांत व्यक्ति अशांत करता है, शांत व्यक्ति अशांत नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो शांत है। तालाब शांत है, कुछ बाहर से ही हवाएं तेज चलेंगी, कुछ पत्थर गिरेगा, कुछ पत्ते गिरेंगे तो उसके ऊपर हलचल पैदा होगी, लेकिन तालाब तो शांत है। तालाब किसी को परेशान नहीं कर रहा है, वो तो शांत से अपने मौज में खड़ा हुआ है। ऐसे आप भी अपनी शांति में इतने आ जाएं कि आपके नजदीक जो आए वो भी आपकी शांति का आनंद ले, ना कि हमारी जैसे व्यक्ति क्रोध में है तो उसके आसपास जो आता है उससे क्रोध करने लगता है। इसलिए वो कहावत है ना कि साहब के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी ना हो, कुछ ना कुछ एकदम आएगा ही आएगा। तो शांत यदि हैं आप तो आपके अंदर से बाहर शांति बिखरेगी, अशांत हैं आप तो अशांति बिखरेगी। और अक्सर व्यक्ति अशांत ही होता है क्योंकि उसकी इच्छाएं इतनी बड़ी हैं, उसकी वासनाएं हैं जो पूरी नहीं हुई। वो किसी की भी सारी पूरी नहीं होती। कोई कहता है कि बच्चे ऐसे होते, वैसे होते, धन इतना होता, पत्नी ऐसे होते, घर वैसा होता। कुछ ना कुछ हमने अपने अंदर आग लगाए रखी है और उस आग ने हमको अशांत किया हुआ है। और जब हम अशांत हैं तो हमारे संपर्क में आने वाला हम सबको अशांत करते चले जाते। तो मेरे कारण से कोई उद्विग्न ना हो, पहली बात यह है।
अब दूसरी बात है कि दूसरे के वजह से मैं भी उद्विग्न ना हूं। पहली बात है कि मैं कारण ना बनूं, दूसरी बात है कि मेरी कमजोरी इतनी ना हो कि दूसरा यदि मुझे कोई शब्द दे रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई कुछ हिला रहा है, तो मेरे अंदर क्षोभ नहीं आना चाहिए। इतने पक्के हो जाओ, इतने मजबूत हो जाओ, इतने अपने में ठहर जाओ, इतना पूर्ण हो जाओ, इतनी शांति को प्राप्त कर लो, इतने हल्के और आनंद में आ जाओ, इतने फुल हो जाओ कि जरा सा भी बाहर से किसी का एक शब्द, एक क्रिया, एक कर्म, एक हाव भाव आपको परेशान ना कर पाए। अपूर्ण व्यक्ति जब होता है तो सामने वाला, कोई भी घर वाले हो या बाहर वाले, उसको हिला सकते। अपूर्ण व्यक्ति हमेशा हिलेगा, लेकिन जो पूर्ण है वो ना हिलेगा, उसे कोई हिला भी नहीं सकता। और जो पूर्ण है वो शांत है, ना वो किसी को हिलाएगा और ना किसी के कारण से वो हिलेगा। और यदि हम अपने जीवन में देखें तो ऐसे ही जीवन चलता रहता है, या तो हम किसी को हिलाते रहते हैं या कोई हमें हिलाता रहता है। और जब हम किसी को हिलाते हैं तो दूसरा तो हमें हिलाएगा ही हिलाएगा। आप दो शब्द बोले, मौका मिलते ही वो चार शब्द बोल देगा, वो तो मौके की तलाश कर रहा है। और फिर आप हिल जाएंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, और ऐसे ही बस वाद और विवाद चलता रहेगा, और इसी तरह से जीवन चल जाता है। हम हिलाते रहते हैं और वो हिलाते रहते हैं। जब हम हिलाते हैं तो भी हम हिलते हैं। आप किसी को हिलाओ, किसी को शब्द दो, किसी को क्रोध करो, किसी पर नाराज हो जाओ, गुस्सा करो, कुछ भी करो, आप भी हिलोगे। तो जब किसी को हिला रहे हो तब भी हिल रहे हो, और जब आपको कोई हिलाएगा तब भी आप हिल रहे हो, अर्थात हम तो हिल ही रहे, हम तो शांत है ही नहीं। हिलना लगातार हमारे अंदर हो ही रहा है, तो स्टेबिलिटी कहा, वो स्थिरता नहीं। ज्ञान केवल हमारे चित्त को स्थिर कर रहा है, एक ठहराव दे रहा है, एक ऐसी मजबूती दे रहा है कि जिसका ना आप किसी को उद्विग्न करें और ना कोई आपको, यदि करे तो आप ना हो। बुद्ध को लोग गाली देते लेकिन बुद्ध मुस्कुराते, बुद्ध को लोग उद्विग्न करने की कोशिश करते, अशांत करने की कोशिश करते, क्रोध में लाने की कोशिश करते, लेकिन बुद्ध ना आते, क्योंकि बुद्ध ने अपनी स्थिरता को, अपनी शांति को प्राप्त कर लिया है। अब बाहर के शब्दों के मायने नहीं रहे। किसी के शब्दों को अर्थ जब आप देते हो, भाव देते हो, तो आप हिलते हो। किसी ने कोई शब्द कहा और आपने उसको कोई अर्थ ही नहीं दिया, तो फिर आप पर उस शब्द का असर कैसे होगा? आप उसके मायने देते हैं, उसकी गहराइयां, उसकी नाप तोल करते हैं, उसको बाल की खाल उतारते हैं, और इसलिए आप हिलते रहते हैं। यदि एक फ्रेंच और एक स्पेनिश की शादी कर दी जाए, वो लड़की स्पेनिश है, लड़का फ्रेंच है, दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती, दोनों एक दूसरे को जब भाषा में गाली देंगे तो कोई परेशान थोड़ी होगा, ना वो उसकी भाषा जानता है ना वो उसकी भाषा जानता है। भाषा फिर अर्थ देती है, अर्थ फिर कल्पना देती है, और उससे हम बहुत हिलते हैं। दूसरे वाले के शब्दों के, अर्थों के कारण से हम हिलते हैं। आप अर्थ ही ना दो, आप यदि अर्थ दो तो ऊंचा अर्थ दो, ऊंचा अर्थ आप दे सकते हैं। बुद्ध देते थे, योगी दे सकता है, क्योंकि उसने पक्का किया है कि किसी के कारण से मैं नहीं हिलूंगा। मेरी शांति इतनी सस्ती नहीं, इतनी बेकार नहीं, इतनी हल्की नहीं कि कोई उसको हिला सके। अर्थात आपकी शांति यदि कोई भंग कर सकता है तो वो बहुत छिछली थी ना, बहुत ऊपर की थी ना, बहुत गहरे स्तर की शांति थोड़ी थी कि किसी ने आपको हिलाया और आप हिल गए। 2 रुपए खोए नहीं कि आप हिल गए, किसी ने कुछ तू तू कहा नहीं और आप हिल गए। इतने कमजोर कैसे हम हो सकते हैं कि किसी के कारण से मैं हिलता जाऊं? और घर के लोग आपस में एक दूसरे को हिलाकर परेशान करते रहते हैं, एक दूसरा हिलता रहता है, परेशान होता रहता है, तो गलती निकालता है कि वो मुझे हिला रहा है। गलती उसकी कैसे हो सकती है? यदि आप ही ना हिलो तो भले कितना हिलाए, वो हिलाता रहे, हिलाता रहे,
कुछ भी कहता रहे, लेकिन आपने अपनी मजबूती को इतना पक्का किया है कि आप उससे सम्मान चाह ही नहीं रहे। आपने ही अपने को इतना सम्मान दे दिया कि अब सम्मान किसी का चाहिए नहीं। इतने सम्मान से खुद भर जाओ, इतने स्वाभिमान से भर जाओ कि किसी की माला, किसी की नमस्ते, किसी का चरण स्पर्श आप पर कोई प्रभाव न डाले। वो यदि कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, आपके लिए कुछ नहीं कर रहा। इतना भीतर का ठहराव हमारे अंदर हो कि कोई ना हिला पाए, और इतनी स्थिरता हो कि आप किसी को ना हिला पाओ। ये दो चीजें यदि जीवन में हम पकड़ ले तो कोई नाराजगी नहीं, कोई झगड़े नहीं, घर घर की कलह नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि हम कोई कारण ही नहीं बन रहे, ना कोई मेरा कारण बन रहा है हिलने का, और जब कोई कुछ कहे मैं नहीं हिल रहा हूं तो मेरी दुश्मनी उससे है ही नहीं। किसी ने कुछ कहा और मैंने उसके शब्दों को पकड़ लिया तो मैंने उसको दुश्मन बना लिया अपने। अब मैं उसके शब्द को पकड़ ही रहा हूं तो मैंने किसको दुश्मन बनाया ही नहीं, और कोई मेरा दुश्मन ही नहीं तो मैं उसको अपशब्द कैसे कहूं, मैं तू कैसे करूं। तो यहां पर द्वेष पूरी तरह से हट जाता है, अशांति हट जाती है और जीवन में एक सहजता, हल्कापन, आनंद और आराम आने लगता है। हर घर सुखी हो सकता है यदि इन दो चीजों को पकड़ लिया जाए। जबकि राजा भोज भरम के भूले, घर घर है मटियाले चूल्हे। ऐसा कोई घर नहीं जहां अशांति नहीं, जहां झगड़े नहीं। कई बहुत ही ऊपर के स्तर पर होते हैं, बहुत ज्यादा हाहुल्ला वाले, मारधाड़ वाले होते हैं। कहीं पर मध्यम स्तर के झगड़े होते हैं, कहीं सूक्ष्म स्तर के झगड़े होते हैं थोड़े थोड़े, और कहीं बहुत ही गहरे स्तर के झगड़े होते हैं। ऊपर तो नहीं होता शब्द कुछ भी, लेकिन अंदर मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, हलचल रही होती है अंदर, क्योंकि शब्द हम दे नहीं पाते। तो कई स्तर के द्वेष और उद्विग्नता हम लिए बैठे रहते। सारी उद्विग्नताओं को हटा दो। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, तथा जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से मुक्त है वो मुझे प्रिय है। हर्ष और ईर्ष्या, हर्ष और ईर्ष्या अर्थात अपने अंदर की स्थिति को हम देखें कि हम कब हिलते हैं, क्या कारण है कि हमारी ऊर्जा ऊंचे स्तर पर जाती और कब निचले स्तर पर आती है। ये ऊर्जा ऊपर और नीचे, हमारी एनर्जी, हमारा चित्त, हमारा मन की स्थिति, मनोदिशा हिलती रहती है, ऐसे ही जैसे तरंग, ऐसे ही जैसे वेव्स। और हार्ट में जब आप ईसीजी करते हैं तो ऊपर नीचे जिगजैग कार्डियोग्राम निकलता है, ऐसे ईईजी जब आप निकालते हैं ब्रेन वेवलेयर तो भी आप ऊपर नीचे मूवमेंट देखेंगे। वो जो हलचल है जैसे सेंसेक्स ऊपर नीचे होता रहता है, हर ग्राफ ऐसे ही चलता रहता है ऊपर नीचे, ऐसे ही हमारे अंदर भी कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। क्या कारण है? वो कारण है हर्ष का, वो कारण है ईर्ष्या का, वो कारण है द्वेष का, वो कारण है उद्विग्नता का। हमारी हलचल के कारण भगवान बता रहे हैं। जब आप बहुत खुश हो जाते, कोई चीज बस जो आपने चाहा था वो हो गई, आपका तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जैसे बस मेरे से धनी, मेरे से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, इतना अहंकार ऊपर के स्तर पर चला जाता है। और जब आप देखते हैं, अरे ऐसी तो होता है, आप बड़ी गाड़ी लेकर आओ या बहुत ही ऊंचे मॉडल का कोई बाइक वाइक ले आओ, और आप एकदम ऐसे हैं बहुत खुश की पड़ोस के पास, अड़ोस पड़ोस में दूर दूर तक किसी के पास नहीं, और पता लगा दो दिन बाद में आपके ही कार के पास में दूसरी कार खड़ी हो गई जो आपसे ज्यादा महंगी, आपसे ज्यादा अच्छी है। आपका जो अहंकार है वो एकदम टूट जाएगा और ईर्ष्या करने लगेंगे आप उस गाड़ी से और उस गाड़ी वाले से। खुशी नहीं आएगी, ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि जब चीज अपनी से खुशी आती है तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या भी खड़ी होती है, क्योंकि अहंकार फिर दूसरा छोर भी देता है, वो ईर्ष्या भी देगा। तो इसी तरह से हम पूरे जगत में, कोई आपसे सुंदर हो, आज आपसे अच्छा वेल ड्रेस्ड हो, अच्छी तरह बोलता हो, अच्छी तरह रहता हो, अच्छी तरह सब कुछ करता हो, आप ईर्ष्या करने लगोगे, अपने ही वालों से करने लगोगे, क्योंकि ईर्ष्या में अहंकार थोड़ा हिलता है,
जब देखता है कि कोई मेरे से आगे बढ़ रहा है, मेरे से बड़ा हो रहा है, मेरे से बेहतर हो रहा है, तो हम उससे मित्रता नहीं ईर्ष्या करने लगते हैं। जबकि मित्रता का भाव यदि उससे हो जाए तो फिर ईर्ष्या ही हट जाए। लेकिन ईर्ष्या सबसे पहले आती है। हम किसी के दुख से दुखी कहां होते हैं, कहीं गहरे में तो कहीं सुख होता है, ऊपर ऊपर से हम दिखा रहे होते हैं हम दुखी हैं, तेरे दुख में दुखी हैं। किसी के सुख में हम कहां सुखी होते हैं, वो तो हम कहते हैं कि ऊपर ऊपर से दिखा रहे होते हैं बहुत अच्छा किया, लेकिन अंदर से चल रहा होता कि अब मेरे पास नहीं, पता नहीं कैसे इसके पास आ गया। दूसरे के सुख से हम सुखी नहीं है, दूसरे के दुख से हम दुखी नहीं है, क्योंकि हम तो अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं, अपना ही अहंकार का जगत हमने बनाया हुआ है और इसी कारण से हम हिलते रहते। तो भगवान कह रहे हैं कि हर्ष और ईर्ष्या, और फिर तीसरी बात है भय। भय भी हमको बहुत हिलाता है, डर सताता रहता है, सबके अंदर डर है। अभी लॉकडाउन हुआ था, कोरोना काल था, बहुत लोगों का व्यापार हिल गया, बहुत दुख की बात है, बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। लेकिन अब डर और सता रहा है कि फिर लॉकडाउन ना हो जाए, फिर कोरोना ना बढ़ जाए, अब क्या होगा। वो डर हमेशा खड़ा है, कहीं बीमारी ना हो जाए, कहीं वायरस का इंपैक्ट ना हो जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए, कहीं अपने वालों का ना हो जाए, कहीं मौत ना हो जाए, कहीं व्यापार ठप ना हो जाए। ये डर जो है वो अनेक रूपों में प्रकट होता रहता है और हिलाता रहता है, और व्यक्ति इस डर को किससे कहता नहीं, अपने वालों से भी नहीं कहता। पति और पत्नी हैं, पत्नी के अंदर पति को लेकर किसी कारण से डर है कि इनका स्वास्थ्य गड़बड़ाया हुआ है, कहीं कुछ हो ना जाए, वो कहती नहीं है लेकिन डरी हुई है। ऐसे ही पति भी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर कहेगा नहीं लेकिन डरा हुआ है। वो माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर, भाई के स्वास्थ्य, किसी के कारण से वो जो डर है, कई बार तो व्यक्ति प्रकट करता है लेकिन कई अधिकतर तो वो अप्रकट रूप में अंदर ही दबा रहता है, लेकिन भय रहता है। और भय हमारी चेतना को हिलाता रहता है, हमारे अंदर हमारी शांति को खा जाता है, हमारे स्वास्थ्य को पूरी तरह से नाश कर देता है। भय से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता, धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होना शुरू हो जाएगा, मन की स्थिति खराब हो जाएगी, डरा हुआ व्यक्ति उसको फिर कुछ ना कुछ न्यूरो की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हार्ट डिजीज शुरू हो जाएगी, डाइजेशन सिस्टम, क्योंकि हमारा जो पेट है वो सेकंड माइंड होता है, दूसरा मन होता है। जब मन खराब होता है तो पेट खराब होता है, जब पेट खराब होता है तो मन खराब हो जाता है। तो डरा हुआ व्यक्ति, जैसे आपको कुछ फोन कॉल आए, अरे कुछ ऐसे घटना घट गई, तो आप एकदम बाथरूम जाएंगे, आपका पेट जो है वो एकदम हिल जाएगा, एकदम एनर्जी वहां पर इम्बैलेंस हो गई। मन पर जैसी घात पहुंचता है, वो घात मन पर नहीं, वो घात सबसे पहले नाभि पर पहुंचता है, पेट पर पहुंचता है, क्योंकि नाभि क्षेत्र डर का स्थान है। यदि वो नाभि क्षेत्र हमारा हिल गया तो फिर सबसे पहले क्या होगा, हमारा मल और मूत्र, मलाशय और मूत्राशय पर इंपैक्ट पड़ेगा और व्यक्ति या तो बाथरूम नंबर एक या नंबर दो चला जाएगा, क्योंकि वो हिल गया है पेट, क्योंकि डर ने हमारे एनर्जी सेंटर्स को हिला दिया, हमारे नाभि क्षेत्र को हिला दिया। इसलिए वो रावण की नाभि में अमृत था, अर्थात उसने उस नाभि को सिद्ध किया हुआ था जहां पर डर था। यदि अभयता आ जाए तो मरना मुश्किल है, उसी को सुखा दिया गया, वही डर पैदा हो गया। तो भय हमारे सिस्टम को, शरीर को हिला देता है, मन को हिला देता है, हृदय को हिला देता है। एकदम कोई डर की, एकदम कोई भयावह इस तरह की घटना सुन ले तो व्यक्ति हार्ट पर उसका असर आ जाता है, फेफड़ों पर उसका असर आ जाता है, ब्रेन पर असर आ जाता है, पेट पर आ जाता है, कहीं ना कहीं उसका आघात, एकदम प्रेशर आएगा ही आएगा। और यदि बड़ा डर नहीं आया, छोटे मोटे डर हैं तो जो जीवन भर चलते ही रहते हैं, तो उसके साथ व्यक्ति जीता रहता है, पनपता कहाँ है, वो खिलता कहाँ है, और डरा डरा सा जीवन जी लिया जाता है। और ऐसे ही हम बच्चों की जो परवरिश, उनको कोई अभयता के साथ थोड़ी करते हैं, डरा डरा के परवरिश करते हैं। पता नहीं तू बड़े होकर क्या करेगा, कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, पढ़ाई तो तेरी कमजोर है, कैसे चल करेगा। हम डराते हैं, हम दबाते हैं,
और डरता डरता एक जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर डर घर कर चुका होता है, वो पनप नहीं पाता, पनप सकता ही नहीं है। बकरी को घास खिलाओ, शाम को शेर के सामने खड़ा कर दो, बांध कर खड़ा कर दो, केवल देखकर बकरी डर जाएगी। रोज यही करो, घास दिन भर खिलाओ, कुछ दिनों बाद बकरी कमजोर होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि डर उसके अंदर है ही है कि सांझ होगी शेर फिर आएगा, आज कहीं खाना ले, आज कहीं खाना ले, ऐसे डर चलता रहता है। व्यापार कहीं ठप ना हो जाए, नौकरी ना चली जाए, संबंध ना टूट जाए, बीमार ना पड़ जाए, कहीं मर ना जाए, न जाने कितने डर हमारे अंदर। और फिर भगवान कह रहे हैं कि उद्वेग से मुक्त है। जो उद्वेग है हमारा, हलचले हैं हमारे अंदर, जर्रे जर्रे हल चलाती रहती, उनसे मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति किससे? पहली बात है हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से जो मुक्त है वो मुझको प्रिय है। तो अपने को जब हम ध्यान में लेकर जाते हैं तो ध्यान, प्रार्थना, समर्पण का भाव, हमारे अंदर यही सब कुछ कलाकारी करता है। वो हमारे अंदर के डर को कहीं खत्म कर देता है, हमें अभय कर देता है। अब डरना और न डरना दोनों से हम उठ चुके हैं, डर ही नहीं रहता। फिर ये भी नहीं कि मैं किसी से डरता नहीं, तो डर तो खड़ा है ना, तभी तो कह रहा है डरता नहीं, फिर डरना ही हट चुका होता है, मुक्त है उससे ऊपर। और आत्मा के लक्षण, जैसे जैसे ध्यान में हम उतरते चले जाते हैं वैसे वैसे हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग का प्रभाव हमारे ऊपर होता कम हो जाता है। फिर आगे 16वें श्लोक में अध्याय 12 के भगवान कह रहे हैं कि जो आकांक्षा रहित, बाहर भीतर से पवित्र, कुशल, पक्षपात रहित और दुखों से मुक्त है, वह सभी आरंभों का परित्यागी, मेरा भक्त मुझको प्रिय। अब यहां पर लगातार श्लोकों में भगवान कह रहे हैं कौन भगवान को प्रिय है। हर व्यक्ति भगवान का प्रिय बनना चाहता है, तो कौन है प्रिय उनका, क्या करना होगा, क्या साधना है, क्या तपस्या है, कुछ तो अपने जीवन में ऊंचाइयों को लाना होगा, तभी तो उसका प्रिय हो सकता है, कुछ तो करना होगा, तो क्या करना है। यहां पर फिर आगे भगवान ने बताया कि जो आकांक्षा रहित है। अब हमारे अंदर आकांक्षाएं तो इतनी है कि भैया आकांक्षाओं का पुतले हैं हम, इच्छाओं के, वासनाओं के और चाहतों के पुतले हैं हम, भरी हुई है चाहते हमारे अंदर। एक पूरी होती है दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तीसरी खड़ी हो जाती है, चाहते एक पूरी होते ही इच्छा दूसरी को जन्म देती है, फिर दूसरी पूरी होती है तीसरी को जन्म देती है। जैसे धूप के नाल होते हैं ना, आप घास को तोड़ो फाड़ दो वो फिर आ जाएगी, फिर फाड़ दो फिर आ जाएगी, आप फाड़ते जाओ वो आती जाएगी। इच्छाएं खत्म होती, एक इच्छा खत्म हुई पूरी हुई दूसरी खड़ी हो जाएगी, और फिर कुछ सारी जरूरी की पूरी हो जाएंगी, कुछ अधूरी रह जाएंगी, फिर कुछ नहीं आ जाएंगी। और इच्छाएं इच्छाएं इच्छाओं के साथ ही हम जीवन को जीते रहते हैं, और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, व्यक्ति खत्म हो जाता है। और हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं अपने वालों से, जो मेरी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक हो जाए वही मेरा अपना वाला, उसी को हम संबंध बनाते हैं। पति पत्नी का संबंध भी इच्छाओं के ऊपर टिका होता है, पति पत्नी की इच्छाओं को पूरा कर रहा है, पत्नी पति की इच्छाओं को पूरा कर रही है। एक दूसरे की इच्छाओं को जब पूरा करते रहते हैं तो संबंध मजबूत रहते हैं, और जब इच्छाओं को पूरा करना बंद कर दिया जाए तो संबंधों में खटास आनी शुरू हो जाती है। आप देख लेना कहीं भी किसी भी संबंध में एक दूसरे की इच्छा पर आप ध्यान देना बंद कर दो, ना करो पूरी, दूर हो जाएंगे संबंध, और इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर दो, नजदीक आ जाएंगे संबंध, दूर के संबंध नजदीक आ जाएंगे और नजदीक के संबंध दूर चले जाएंगे। केवल इच्छाओं पर, एक दूसरे की इच्छा हम पूरा करके अपने जीवन को चलाते रहते हैं। हमें लगता है कि मेरे संबंध वाले मेरी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये मेरी इच्छा को पूरा कर रहा है। हमारे अंदर आकांक्षाएं भरी पड़ी, और इन्हीं आकांक्षाओं के कारण से हम बाहर की तरफ जाते हैं,
केवल दौड़ते रहते हैं और दौड़ते ही रहते हैं। इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए दौड़ चलती रहती। लगातार दौड़ता हुआ व्यक्ति जब तक आराम नहीं करेगा तो दौड़ का फायदा तो उसके आराम में आता है। दिन भर थकान हो, आप बहुत काम किया हो, फिर रात को आराम से गहरी नींद आती है, उस नींद का आनंद है। लेकिन इच्छाएं ऐसी हैं कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। उम्र का पड़ाव कोई भी हो जाए, जब 30 साल का था तो सोचता था 40 साल के हो जाएंगे ना, तब धन कमा लेंगे, थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर। 40 साल के हो गए, नहीं नहीं अभी तो यार बहुत जिम्मेदारियां हैं, कहां। चलो 50 साल जब हो जाएंगे ना, तब हम अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे, बच्चे थोड़े बड़े हो चुके होंगे। अब 50 साल का हो गया, वो और फंस गया। वो फंसना कम थोड़ी हुआ, वो तो फंसना बढ़ता चला गया। इच्छाएं जैसे जैसे बड़ी करते जाओगे, वैसे वैसे फंसते चले जाओगे। जबकि हमें लगता है कि हम इच्छाओं को पूरा इसलिए कर रहे हैं कि हम इच्छाओं से निकल जाएंगे, लेकिन ये तो दलदल है, निकलना कहाँ होता है, वो तो और फंसना होता है। इसलिए अमीर और अमीर बन जाना चाहता है। वो अमीर हो गया था, सब कुछ हो सकता था जीवन में, परफेक्टली जीवन जिया जा सकता था, लेकिन इच्छाओं का क्या करे, वो तो कहता है और चाहिए। अब 1 करोड़ नहीं 2 चाहिए, 2 नहीं 5 चाहिए, 5 नहीं 10 चाहिए, बैंक में ही सजेगा, लेकिन इच्छाओं का क्या करें, मन उस तरह से डिजाइन हो गया है। और ऐसे ही व्यक्ति जीवन को जी जाता है। जो 50 का है तब भी कहता है अभी कैसे, फिर वो 60 का हो जाएगा तब पूछना, अरे अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, हाथ पैर चल रहे हैं, चूंकि इच्छाएं फिर जवान। वो 60 का हो जाएगा, फिर 70 का हो जाएगा, वो अपनी ओर से नहीं छोड़ेगा जब तक शरीर ना छोड़ दे उसका साथ। शरीर ही बीमार होने लगेगा, शरीर ही साथ नहीं देगा, तब न चाहते हुए काम को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अब शरीर साथ नहीं दे रहा। इच्छाएं फिर भी खड़ी, ये आकांक्षाएं कभी भी पूरी नहीं होती, व्यक्ति पूरा हो जाता है। तृष्णानि जीर्णानि वयमेव जीर्णा, तृष्णाएं पूरी नहीं होती, व्यक्ति पूरा हो जाता है। भगवान कह रहे हैं जो इच्छा रहित हो गया है, जो आकांक्षा रहित हो गया, किसी से कुछ चाहो नहीं, क्या क्यों चाहो, क्यों कुछ चाह रहे हो, आया ठीक है, नहीं आया ठीक है, मिला ठीक है, सेवा की ठीक है, काम किया ठीक है, जो आपने कहा ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है ना। आप क्यों इच्छाओं में अपने आप को बांध लेते हो कि नहीं, नहीं तो फिर आप दुख पाल रहे हो। हम अपनी इच्छाओं के कारण से दुख को पाल रहे होते हैं, सींच रहे होते हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं हो रही होती तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और जीवन इसी प्रकार से आकांक्षाओं के कारण से हमें दुखी दुखी और दुखी बना देता है। भगवान कह रहे हैं फिर बाहर और भीतर की शुद्धि हो, भीतर और बाहर एक होना चाहिए, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। हमारे तो मुंह में राम बगल में छुरी चलती रहती है, अंदर कुछ और है किसी के लिए, और बाहर सामने आए तो सम्मान दिखा रहे हैं, अंदर गालियां दे रहे हैं बाहर सम्मान दिखा रहे हैं, घर में बैठकर चुगली कर रहे हैं उसके लिए, और वो व्यक्ति आ गया तो बहुत ज्यादा एकदम खाना पीना आओ भगत कर रहे हैं। अंदर कुछ और चलता है हमारे, बाहर कुछ और चलता है, हम अशुद्ध हैं। शुद्ध होना है, जैसे अंदर हो वैसे बाहर आ जाओ, जैसे बाहर हो वैसे अंदर आ जाओ, एक हो जाए। शुद्ध का मतलब होता है जहां पर कुछ और चीजें मिक्स ना। जब हम केवल अपने स्व के भाव में स्थित होते हैं तो हम शुद्ध होते हैं, हम केवल सामने वाले को अपना रूप जानते हैं तो हम शुद्ध होते हैं, अन्यथा हम अशुद्ध होते हैं। कहते हैं ना शुद्ध देशी घी, वो केवल कहा जा रहा है शुद्ध देशी घी। वो घी भी कभी अशुद्ध हो सकता है, वो शुद्ध क्यों कहा जा रहा है? यदि वो शुद्ध है तो फिर कहने की जरूरत नहीं, यदि वो देसी घी है तो शुद्ध कहने की जरूरत क्या पड़े, वो तो है ही है। लेकिन जब शुद्ध कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ और भी अंदर चल रहा, कुछ जब मिलाया जाता है तो अशुद्ध होता है, मिलावट की प्रक्रिया ही अशुद्ध है। हम जब अपने अंदर विकार, इच्छा, वासना, निंदा, ईर्ष्या सब मिला देते हैं अपनी चेतना में तो अशुद्ध हो जाते हैं।
हमारे विकार जब अंदर मिले हैं, काम क्रोध लोभ मोह हमारे ही चेतना में मिला है, तो हम अशुद्ध हैं। शुद्ध होना है, विकारों से परे अपने आप को, इच्छाओं वासनाओं से परे अपने आप को लाओ तो शुद्ध कहलाएंगे। केवल नहा धोकर हम कहते हैं हम शुद्ध हैं, कपड़े साफ पहन लिए हम शुद्ध हैं, मन में तो वही गंध है, मन में तो वही द्वेष है, वही ईर्ष्या है, वही सब बातें मन में पड़ी हैं और हम शुद्ध। भगवान ने इसलिए बाहर भीतर दोनों की शुद्धि की बात कही कि बाहर भी शुद्ध रहो लेकिन अंदर भी तो शुद्ध रहो ना, और अंदर यदि शुद्ध हो तो बाहर भी शुद्ध रहोगा, एक हो जाओ ना, दो ना रहो, मुखोटा ना लगाओ, परसोना ना बनाओ। हम तो अपने साथ मुखोटे लेकर चलते हैं, इतने मुखोटे हैं जो व्यक्ति मिलता है वैसा मुखोटा लगा लेते हैं और उसी तरह से वैसी बात करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, चूंकि हम तो दिन भर दूसरों के कारण से मुखोटा अपना बदलते चले गए, हम अपना आपा भूल गए, अपना ही चेहरा भूल जाते हैं, अपना ही स्वभाव भूल जाते हैं, चूंकि हम पर भाव में रहते हैं, दूसरे के भाव में रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं बाहर भी भीतर की शुद्धि करनी है और कुशल होना है। कुशल का मतलब है कि कर्म तो कर लो लेकिन उसका फल आप पर ना लगे। कुशल का मतलब है कि इतने परफेक्शन से किया जाए कि उसका असर ना, कि कार इतनी कुशलता से चलाए कि जरा सा भी कार में स्क्रैच नहीं है। कुशलता है, परफेक्शन है। तो कर्मों में कुशलता हो और पक्षपात रहित हो आप। अगली बात कह रहे हैं पक्षपात रहित, अंदर पक्षपात रहित की स्थिति है, आत्मा पक्षपात रहित होती है, लेकिन हम जीवन भर पक्ष में ही रहते, एक के पक्ष में एक के विपक्ष में खड़े रहते। पक्षपात रहित कहां है, कहां समान देखते। जब समानता आ जाती है अंदर तो पक्षपात रहित अवस्था पैदा हो जाती, जैसे जज है पक्ष नहीं ले रहा, पक्षपात रहित हो रहा है, किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, वो तो जो वास्तविकता है केवल उस पर चल रहा है। जब हम किसी के लिए भी पक्षपात रहित हो जाते हैं इसका मतलब है कि सबके लिए एक हो जाते, सम हो जाते। एक भाव में अपने आप को रखो, छोटा है बड़ा है, अपना है पराया है, अड़ोसी है पड़ोसी है, क्यों पक्ष करते हो, क्यों हिलते हो। ये पक्षपात हम बाहर के लोगों से, व्यक्ति से, पदार्थ से करते हैं लेकिन हिलते तो हम हैं, मायने तो हम दे रहे हैं पक्ष के, ये अच्छा है ये अच्छा नहीं, ये मेरे वाला है मेरे वाला नहीं, मायने जब हम देते हैं तो पक्ष करने लगते हैं। पक्ष करने से फिर हमारी जो स्थिति है वो हिल जाती है। यहां साधना की ऊंची स्थिति की बात कर रहे हैं, भक्त की बात हो रही है। भक्त पक्षपात रहित होता है और दुखों से मुक्त है। हम दुखों को पकड़ कर रखते हैं, दुखों को सजाते हैं, संवारते हैं, कहां मुक्त होते हैं दुखों से। अपने दुख को गाते रहते हैं, दस को जब तक सुनाना ले तब तक तो हमें चैन नहीं पड़ता। कोई समस्या देखो आपके पास आ गई हो, मान लो व्यापार सही ना चल रहा हो, जिससे मिलोगे उससे कहोगे अरे आजकल तो बिल्कुल मानता है, बिल्कुल एकदम एकदम लगी पड़ी है, एकदम परेशान हो गए हैं, ये है वो है, सबको दुख गाना शुरू कर दोगे। और जब कमाई हो रही तो छुपा लोगे। हम दुख को गाते रहते, फोन कर करके बताते रहते सबको, जब तक बताना ले तब तक चैन थोड़ी है। जरा सा दुख घटा नहीं कि एकदम बता दिया, क्योंकि दुख का एक मजा है, दुख में हम रहना चाहते, दुख हमारा नजदीकी मामला है, दुख से हमारी बहुत घनी दोस्ती है, यारी है, क्योंकि दुख मन के स्तर पर होता है और हम मन में रहते। जो व्यक्ति मन में रहता है वो दुखी सुखी रहेगा, जो मन से ऊपर उठ गया है उसके लिए दुख है ही, जो मन में है उसके लिए दुख है। भगवान कह रहे हैं दुख से जो रहित है, अर्थात मन से जो परे हो गया, जो अमन में आ गया, दुख हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। हम दूसरे को दुखी देखना चाहते हैं, देखो कोई दुश्मन हो क्या दुआएं करते हो कि वो दुखी हो जाए, परेशान हो जाए। हमारी दुआएं भी तो उल्टी सीधी होती,
कोई ज्यादा सुखी दिखाई दे जाए तो हमारा हिलने लगता है अंदर वाला। हम कहते हैं पता नहीं कैसे ब्लैक मनी कहां से, पैसा कहां से आ रहा है, कुछ ब्लैक किया होगा, कुछ गलत काम किया होगा, हम हिल जाते हैं। हम शांत, हम स्वस्थ व्यक्ति नहीं, हम अस्वस्थ हैं। हमने दुख को अपना साथी बना लिया और ये दुख ही हमको दुखी कर रहा है, जीवन को जीने नहीं दे रहा है। क्योंकि लगता है ना व्यक्ति को, यदि कोई बीमार है तो भैया 10 लोग फोन करके पूछते हैं, और बीमार नहीं है तो कोई पूछता नहीं, तो अंदर से चलने लगता है ना कि अरे यार इससे तो बीमारी ठीक है। वो स्त्री कहती है अरे पति कभी ध्यान नहीं देता, मैं जब बीमार होती तो बड़ा ध्यान देता है, इसलिए चलो थोड़ा बीमार ही रहा जाए तो कम से कम हमारी तरफ ध्यान तो आएगा। वो दुख इस तरह से हम पकड़ लेते और दुख के साथ या तो दूसरों तक बता देते हैं, नहीं तो मन में तो छुपा हुआ रहता ही है कि हम ना बचपन में ना गरीब थे, हमारे पास कुछ खाने को नहीं था, हम गरीब थे, पकड़ा है ना दुख, छूटता थोड़ी। आज अमीर हो उसको नहीं देख रहे, आज पैसा है उसको नहीं देख रहे हो, बचपन को देख रहे हो, क्योंकि दुख पीछे नहीं छोड़ना चाहता। हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, शादी में भी ऐसे चले जाते थे, घर भी टूटा फूटा था, व्हाइट वॉश भी नहीं हो पाती थी, जूते भी टूटे हुए थे, पेस्ट भी नहीं था, ब्रश कर लेते। ऐसे दुख को हमने आज भी संजोया हुआ है अपने अंदर, और चूंकि दुखी होना चाहते हैं, इतना सब कुछ आ गया आज, उसको हम खुशियां नहीं मनाएंगे लेकिन दुख को पकड़ लेंगे भले, और बच्चों से कहने लगेंगे अरे तुम्हारे पास तो सब कुछ है, देखो हम कैसे थे। दुख को छोड़ा कहां, संजो के रखा है, मौका मिलते ही हम दुखी हो जाना चाहते हैं। ऐसे ही कि जैसे बिल्कुल खुली सड़क हो, मौका मिलते ही आप अपनी कार बाइक स्कूटर की रेस तेज कर देते, ऐसे मौका मिलते ही आप दुख की गहराइयों में चले जाना चाहते। देखो पुराने लोग मिल जाए तो वो दुख की बातें करना शुरू कर देंगे और बढ़ा चढ़ा कर दुख की बातों को पेश किया जाता। तो भगवान कह रहे हैं जो दुख से मुक्त है और सभी आरंभों का परित्यागी, मेरा भक्त मुझको प्रिय है, सभी आरंभों का परित्यागी। आरंभ क्या है? आपकी कोई इच्छा उठी, कोई विकार उठा, कोई क्रोध उठा, कोई लोभ उठा, कोई मोह उठा, कोई कामवासना उठी, जब उठी उसी समय त्याग करना होगा, उसी पल त्याग करना होगा। कोई इच्छा उठी नहीं, उस पल त्याग कर दिया तो ठीक, अन्यथा इच्छा यदि बढ़ गई तो उसका त्याग करना कठिन, अब नहीं होगा। आरंभ में ही त्याग किया जा सकता है, बाद में बीमारी शरीर में आई नहीं कि आपने तभी ध्यान देना शुरू कर दिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा नहीं कि आपने चिकनाई खाना छोड़ दिया, शुगर लेवल बॉर्डर लाइन थोड़ा ऊपर हायर साइड गई नहीं कि आपने अपनी दिनचर्या को लाइफस्टाइल को मेंटेन करना शुरू कर दिया। आरंभ जब हो रहा था किसी चीज का, उसी समय यदि आपने कंट्रोल कर लिया, आप कुछ अपशब्द कहने ही वाले थे किसी को, आपने कंट्रोल कर लिया, आप कुछ एक्शन करने ही वाले थे गलत, आपने कंट्रोल कर लिया। आरंभ जब होने वाला था तभी कंट्रोल किया जा सकता है। जुबान से निकलने वाले शब्द निकलने ही वाले थे कि आपने रोक लिया, यदि निकल गए तो फिर वापिस आने मुश्किल है, बीमारी बढ़ गई तो वापिस आने मुश्किल है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब एक जैसे फल पक जाए तो अब कच्चा होना मुश्किल, अब फल कच्चा नहीं हो सकता, आरंभ का त्याग करना होगा। इसलिए बहुत ही सुजाग होकर, जागरूक होकर, साक्षी होकर, दृष्टा होकर देखो अंदर क्या उठ रहा है, कौन सा फूलना विकार उठ रहा है, उसी समय यदि कंट्रोल कर लिया, मैनेज कर लिया, ध्यान दे दिया, शुरू में ध्यान दे दिया तो ठीक, अन्यथा यदि वो सिस्टम के अंदर समस्या आ गई तो बहुत कठिन हो जाता है। जैसे सांझ का समय होता है, मच्छर बढ़ जाते हैं, तो उसी समय आप सांझ होने वाली है तो सारे कम घर की जाली बंद कर दो, आपने जाली बंद कर दी तो अब मच्छर आएंगे भी अंदर, और आपने यदि जाली बंद नहीं की और मच्छर अंदर आ गए तो पूरी रात खराब करने वाले हैं। आरंभ में आपने ध्यान नहीं दिया था, किसी भी चीज को आरंभ में ध्यान देना होता है। व्यापार करने वाले आरंभ पे ध्यान दो, हर चीज में आरंभ, इसलिए सुबह दिनचर्या शुरू करने वाले आरंभ पे ध्यान दो, प्रातःकाल पे ध्यान दो, कोई कर्म करने वाले आरंभ पे ध्यान दो, इसलिए पूजा पाठ प्रार्थना ध्यान से करो, आरंभ पर ध्यान दो। जब गलत कर्म करने का भाव उठे तो उस समय
उसको बिल्कुल उसी समय एकदम त्याग कर दो। हम त्याग नहीं करते, उसका वेलकम कर देते हैं और यही समस्या शुरू हो जाती है। कोई भी विकार उठा नहीं, काम वासना उठी नहीं और हमने उसका मजा लेना मन में ख्यालों में कल्पना में शुरू किया, बस बात हाथ से निकल गई। कोई क्रोध उठा नहीं, उसी समय कंट्रोल किया जा सकता था, अग्नि छोटी थी बुझाई जा सकती थी, आग ने जब पकड़ ली अपनी प्रचंडता तो फिर बुझाना मुश्किल होता है। अभी तो माचिस की तिल्ली थी, त्याग किया जा सकता था, लेकिन यदि आग लग गई तो त्याग करना मुश्किल है। इसलिए तो पेट्रोल पंप पे सिगरेट या माचिस तिल्ली नहीं जलाई जाती, आरंभ का वहीं पर त्याग करो, यदि चूंकि यदि आग लग गई तो बड़ा मुश्किल हो जाए। तो गलत विकारों में, इच्छाओं में, वासनाओं में आरंभ का त्याग करने के लिए भगवान कह रहे, जो भी अंदर से उठे मन के स्तर पर उसका त्याग करते जाओ, स्वाहा। फिर कुछ इच्छा उठी, स्वाहा। आपने ज्ञान यज्ञ कुंड लगाया हुआ है, फिर कुछ उठा, स्वाहा। कोई विकार उठा, स्वाहा। कोई ईर्ष्या, कोई निंदा, कोई चुगली, स्वाहा। जो भी कुछ उठे स्वाहा करते जाओ ना अंदर। ऐसे तो होता है जैसे घर में कहीं भी आपको कुछ मिलता है तो आप उसको अपने जगह पर रख देते हो। यदि हमने प्रारंभ में त्याग नहीं किया तो बीमारी बढ़ेगी, कर्ज बढ़ेगा, कुछ भी चीजें वो बढ़ती चली जाए, विकार बढ़ेंगे। कोई भी आदत, शराब पीने की बस पहला ही घूंट पिया था, दोस्त ने पिला दिया था, उसी समय यदि त्याग कर दो तो त्याग हो सकता है, नहीं तो शराबी बन के रहोगे, पियक्कड़ बन जाओगे। पहला कश जब लिया जा रहा था, यदि त्याग कर देते तो इतनी बात आगे ना बढ़ती। वो चोर को जब फांसी की सजा दी गई तो अंतिम इच्छा के रूप में उसने मां को कहा कि मैं मां से मिलना चाहता हूं, जेल में था। मां आई तो मां को बोला मैं तुझको कुछ कहना चाहता हूं। मां ने कान आगे किया और बच्चे ने, उस बेटे ने मां का कान काट लिया। लहूलुहान हो गई मां और कहने लगी ये क्या किया तू? तो बेटा कहता है कि जब तूने पहली चोरी की खबर सुनी थी मेरी, तब तेने क्यों नहीं रोका? उस समय आरंभ का त्याग क्यों नहीं होने दिया? उस समय तेने मजा लिया, अब देख मुझे फांसी सजा होने जा रही। आरंभ का त्याग विकारों में उसी समय करना होता है, शुरू में करना होता है। इसलिए बच्चों का संग देखना होता है, आरंभ का त्याग करना होता है। यदि संग वैसा मिल गया तो फिर वो दोस्ती छूटनी मुश्किल होती है, वो विकार, वो व्यस्त छूटना मुश्किल होता है। इसलिए जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भी कुछ नेगेटिव है, नकारात्मक है, अवगुण है, विकार है, इच्छा है, वासना है, बस शुरू में उसका त्याग कर दो तो उस पर कंट्रोल पा सकते हो, अन्यथा उसके कंट्रोल में हम चले जाए, वो हमारे ऊपर राज करेगा। तो भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त मुझको प्रिय है। कौन? जो आकांक्षा रहित है, बाहर भीतर से पवित्र, कुशल, पक्षपात रहित और दुखों से मुक्त है, वह सभी आरंभों का परित्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। आज ये 16वां श्लोक पूर्ण हुआ, अभी अध्याय 12 के 4 श्लोक बाकी हैं, जो अगले सत्संग में हम उन पर चर्चा करेंगे। अभी आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम जी। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ हिला गोस्वामी। तो जो सबसे पहला सवाल आ रहा है सुरक्षित जी, मंजू गुप्ता जी पूछ रही हैं, आकांक्षा रहित होकर तो निष्क्रिय हो जाता है मनुष्य। आकांक्षा रहित होकर निष्क्रिय हो जाता है मनुष्य। आकांक्षा कई प्रकार की होती है। यहां पर जो बात कही जा रही है वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि वो तो एक भक्त की बात कर रही है। पहली बात तो ये समझ लो, भगवान किसके लिए कब कह रहे हैं, किस स्थिति के लिए कह रहे हैं। यदि हम सामान्य रूप से देखें तो आकांक्षाएं तो हमको हिलाती, चलो आप सक्रिय हो जाओ आकांक्षाओं से, लेकिन क्या आकांक्षाएं सारी पूरी हो जाती? क्या पूरी होकर वो शांत हो जाती? क्या आकांक्षाएं हमको हिलाती नहीं? क्या रुलाती नहीं? क्या परेशान नहीं करती? क्या विक्षोभ पैदा नहीं करती?
क्या दुश्मनी पैदा नहीं करती? सारा कुछ तो इन्हीं आकांक्षाओं के आधार पर खड़ा हुआ है हमारे उपद्रव। इन आकांक्षाओं को ध्यान दो, इनको ताकत दो, इनको साफ करो। सब्जी जब बाजार से खरीद के लाते हैं तो डंठल पत्थर को हटाया जाता है, जो बेकार की चीजें उनको छाड़ दिया जाता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है, भिंडी को आगे पीछे से काटेंगे, साफ करेंगे, धोएंगे, उसके बाद बनाएंगे। आकांक्षाओं को ध्यान दो कि कौन सी आकांक्षा, और वो आकांक्षा संकल्प बन जाए। एक इच्छा जब संकल्प बनती है, और जीवन में बहुत ज्यादा संकल्प, आप धन के लिए आकांक्षा करो, एक बार पक्का करो ना संकल्प कि मुझे उतना चाहिए, और लग जाओ उसके लिए, बस कर्मठ हो जाओ। कर्मठता को प्रधानता दो, आकांक्षा को प्रधानता ना दो। आकांक्षाएं तो हमको सेख चिल्ली बना देंगी, हमको ख्याली पुलाव में ले जाए। कर्मठता जब आप जीवन में लेकर आते हैं तो इच्छाएं कमजोर पड़ जाती हैं, कर्मठता बड़ी हो जाती है, और जब कर्मठता बड़ी होती है तो जो इच्छा सोची भी नहीं थी वो पूरी होने लगती है। इतनी सोच भी नहीं थी बचपन में, जब व्यक्ति कर्मठ हो जाता है तो वो सब कुछ पूरा होता चला जाता है जो उसने सोचा भी नहीं था जीवन में। हमारे जीवन में आकांक्षाएं बड़ी ना हो बल्कि हमारी कर्मठता बड़ी हो जाए। लेकिन जब आकांक्षा बड़ी होती है तो कर्मठता, कर्म छोटे पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, और केवल इच्छाएं और इच्छाएं ही हम अपने अंतरतम में रहने लगते हैं, और हम दूसरों से इच्छाओं, अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने लगते हैं, और वहीं के कारण दुख खड़ा हो जाता है। ठीक बात है, आकांक्षाएं चाहिए, लेकिन उस आकांक्षा के लिए हमने कर्मठ कितने, हमने कहा कि मुझे 1,00,000 रुपया कमाना है, एक इच्छा है, एक आकांक्षा है। अब आपने केवल आकांक्षा रखो और दूसरे लखपति को देखकर, करोड़पति को देखकर परेशान होते रहो, तो आप कर्म नहीं कर रहे हो लेकिन इच्छा रख रहे हो। एक है कि आपने कहा कि मुझे धन कमाना है और आप कर्मठ होके आपने काम शुरू कर दिया, वो 1,00,000 क्या 10 कमा लोगे, करोड़ कमा लोगे आप? इच्छा छोटी हो जाए, कर्म इतना बड़ा हो जाए। तो कर्म जब बड़े हो जाते हैं जीवन में तो आकांक्षाएं अपने आप छोटी होती चली जाती हैं, और जब कर्म योगी व्यक्ति हो जाता है तो इच्छा रहती नहीं है, क्योंकि कर्म पहले ही उसको पूरा कर रहा होता है। फिर क्या मांगू, कुछ स्थिर नाही, क्योंकि देख लिया है जो भी आया है, जो भी मांगा है वो चला जाता है, ठहरता तो यहाँ कुछ भी नहीं। जो भी मांगा है, जो भी इच्छाएं पूरी हुई है, सब पुरानी हो जाती है, बासी हो जाती है, चीजें चली जाती है, टूट जाती है, खत्म हो जाती है, फिर बदलाव आ जाता है, इच्छाएं पूरी होकर भी खत्म हो जाती है। इसलिए क्यों ना इच्छाओं से ऊपर उठकर, इच्छा रहित होकर अपने आप को आकांक्षा रहित अवस्था में ले आए और हम कर्मठ हो जाए। आकांक्षाएं केवल फल पर लेकर जाती है, कर्मठता कर्म पर लेकर जाती है। हमारे कर्म प्रधान हो, फल प्रधान ना हो। अगला सवाल है, संदीप जी पूछ रहे हैं, हम अपने मन को काबू में करने की कोशिश करते हैं पर सामने वाला इंसान बार बार हमें तकलीफ देता रहता है, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में क्या करें कि सामने वाला तकलीफ देता रहता? हम तो दूध के धुले हैं, हम तो सामने वाले को कुछ भी तकलीफ नहीं देते, हम तो शांत हैं, हमारे तो शब्द कुछ होते ही नहीं, सारी कारण तो हम ही हैं, हमने ही कुछ शब्द दिए थे, वो तो लौट के आ रही, आपने ही तो कुएं में ऊपर खड़े होकर बोला था तू, तो कुछ ही सेकंड बाद नीचे से आवाज आती है तू। हमें दूसरे के शब्द दिख रहे हैं, अपने कर्म नहीं दिखते। हमने भी कुछ किया था, अपनी ओर से कुछ करना बंद कर दो, तो सामने वाला पागल थोड़ी है, बावला थोड़ी है जो हमें ही हिला रहा है। हम कुछ कर रहे हैं, हमारी अपनी गलतियां हमें बिल्कुल नहीं दिखती, ना उसको अपनी गलतियां दिखती हैं, क्योंकि वो कह रहा है उससे बैठकर बात करना, वो आपको 10 आपकी गलतियां बता देगा, आपने ऐसे कहा था, आपने ये किया था, आपने वो किया था, उस समय ऐसा बोल दिया था, ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं हिल रहा हूं, तुम ही मेरे कारण हो। देखो वो कितने एकदम पेज भर देगा। असलियत में हमारी कोशिश हो कि हम शांत रहें, और हमारी कोशिश हो कि हम किसी को अपशब्द ना कहें, किसी को हिलाए नहीं, परेशान ना करें, उसकी शांति के कारण अपने को संभालना शुरू करो, क्योंकि दूसरे को तुम संभाल नहीं सकते। ऐसा तो यहां पर कोई तरीका नहीं है, ऐसी कोई घुट्टी नहीं है, कोई दवाई नहीं है कि भैया आप पी लो और आप शांत हो जाओ और मुझे कुछ ना करो। घुट्टी है कि आप पी लो, खुद पी लो, शांति की, आनंद की, प्रसन्नता की, स्थिरता की, और फिर
आप शांत हो जाओ, जैसे ही आप शांत होगे आप किसी को नहीं हिलाओगे, जब आप किसी को ही नहीं हिलाओगे तो आपको कोई नहीं हिलाएगा, आप ही कारण थे। ऐसे कोई राह चलता आदमी आपको कोई परेशान थोड़ी करता है, कोई पड़ोसी आकर थोड़ी परेशान करता है, आप ही तो कुछ कारण हो ना। हम अपने कारणों को ध्यान नहीं देते, अपने कारणों को थोड़ा हटाना शुरू करो, कोशिश करो कि जो हम अशांति का व्यवहार कर रहे थे अब शांति का व्यवहार करना शुरू करो, थोड़ा प्रेम करना शुरू करो, अच्छे शब्द देना शुरू करो, उनका ध्यान देना शुरू करो, देखो लौट कर क्या आता है। आप प्रेम दोगे प्रेम आएगा, ध्यान दोगे ध्यान आएगा, आप जो दोगे लौट कर वही आ जाएगा। आपने अशांति दी है, हो सकता है थोड़ी दी हो और फल उसका ज्यादा अशांति के रूप में आ गया, बड़ा फल आ गया, तो आप अपने ओर से जो बोया जा रहा है उसको ध्यान देना शुरू कर दो, पौधा और पेड़ और उसके फल वैसे ही लगने शुरू हो जाए। हम बीज एक बोते हैं लेकिन आम कितने आते हैं, गुठली तो एक लगाई थी लेकिन उसके आम कितने गुना आ गए। ऐसे हमारा तो एक एक्शन था लेकिन लौट के तो इतने सारे फल आ गए हमारे ऊपर, तो बीज ही ना बोए होते तो फल कैसे आते। तो फिर आगे से अपने बीजों को ध्यान दो और जो पहले बीज डाले हैं उनको क्षमा के माध्यम से, उनको प्रेम के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, समता और भाईचारे के माध्यम से उनको डिसॉल्व करने की कोशिश करो। संदीप जी ने फिर से एक सवाल किया है और यही मेरा भी एक सवाल था, पूछ रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि शांत स्वभाव या क्षमा करने का स्वभाव हमारी कमजोरी मान ली जाती है और कोई इंसान ऐसे होते हैं जो हमेशा हमें तकलीफ देते हैं, तो ऐसे में क्या करें? आपकी कमजोरी यदि मान ली जाती है ठीक है ना, कोई बात, आप तो पहले क्षमा तो करो। हम यही सोच के क्षमा ही नहीं करते कि हमारी कमजोरी मान ली जाएगी। हमने क्षमा कितनी बार की, पहली बात तो ये, और सामने वाले ने उसका फायदा उठाया क्या? अच्छा उसका फायदा हुआ क्या? उसने एक दो शब्द आपको बोल दिए बस इतना ही तो हुआ, लेकिन आपके मन में तो हलचल पैदा नहीं हुई। यदि आप उसको क्षमा नहीं करते तो हलचल ज्यादा है या क्षमा करने से हलचल ज्यादा? आप देखना, आपने जब क्षमा कर दिया तो आप तो शांत हो गए। शांति हमें चाहिए, हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे। ऐसा नहीं है कि आप शांत होकर बैठ गए तो आपके ऊपर वो हावी हो जाएगा, वो हावी होके क्या करने का? और फिर एक आर्ट फिर डेवलप भी तो है ना, फिर योगी फिर भगवान युद्ध करना भी तो सिखा रहे हैं ना। लेकिन पहले अर्जुन को शांत किया, फिर उसको आर्टिस्टिक बनाया कि किस तरह से अपनी प्रकृति को चलाना है, संभालना है, कौन से शब्द देने हैं, किस तरह से बात करनी, वो भी आपको आर्ट आ जाएगी। लेकिन शांति के आधार पर, क्षमा के आधार पर आएगी। क्षमा का भाव अपने अंदर प्रबल करते जाओ, अपने अंदर विशालता को पैदा करते जाओ, फिर आपको जब जैसा जो व्यक्ति सामने आएगा, जिस तरह से वो बात करेगा, उसको आप उसको बात करने का तरीका डेवलप आपके अंदर, वो क्षमा का भाव खुद ब खुद कर देगा, वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। भला बुद्ध के ऊपर कोई हावी थोड़ी हुआ, बहुत लोगों ने हावी होना चाहा, महावीर जी के ऊपर बहुत लोगों ने हावी होना चाहा, कृष्ण के ऊपर बहुत लोगों ने हावी होना चाहा, लेकिन क्या क्षमा तो किया है ना सबको। क्षमा करने से हम छोटे नहीं हो जाते, लेकिन हमारा अहंकार यही कहता है कि मैंने यदि क्षमा कर दिया तो मैं छोटा हो गया, वो बड़ा हो जाएगा, वो मुझे दबा लेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। यदि क्षमा नहीं करोगे तो आप तो हिलते रहोगे, जीवन भर हिलते रहोगे, परेशान होते रहोगे। वो छोटा बड़ा छोड़ दो, लेकिन आपकी हलचल तो बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा रही है। उसकी कीमत ज्यादा है या दूसरे व्यक्ति के भाव की कीमत ज्यादा है? आपकी यात्रा, ये जीवन की यात्रा हमारी अपनी व्यक्तिगत है, इसको सुखद बनाना है, इसको सरल बनाना है, उसकी कोई कीमत नहीं, वो बेशकीमती है, अनमोल है, उसको ध्यान दो। केवल यही देखते रहोगे कि वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा ये छोटा हो गया है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। आप माफ नहीं करोगे, क्षमा नहीं करोगे तो भी कुछ कहेंगे कि बड़ा अहंकारी है, आप क्षमा कर दोगे तो भी कहेंगे अरे बड़ा कमजोर है। वो कहाँ शांत होगे, वो रुकेंगे कहाँ? आप जो करोगे उसका उल्टा ही शब्द आए। आप अच्छे से अच्छा किसी के लिए कर लो, आप जान भी लगा दो, तब भी वो कुछ ना कुछ कहेगा, अरे उसने तो ये तो किया ही नहीं। दिन रात आप एक कर दो किसी के लिए, कमियां निकालने वाला कमियां ही निकाल लेगा, और आप किसी के लिए कुछ ना करो, थैंक्स करने वाला तब भी थैंक्स कर जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस हरिओम ब्रेन चर्चा में हरिओम जुड़ने के लिए। हमारे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी शुक्रवार सुबह 8 बजे, सुरक्षित गोस्वामी जी लाइव होंगे हमारे साथ और आगे के श्लोकों पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप स्पीकिंग ट्री के साथ बने रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। हरिओम जय श्री कृष्ण।